सत श्री अकाल जी वाह साहब। पंजाब टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की कमेटी में जगदीश टाइटलर की नियुक्ति का मसला भगता जा रहा है। इस मामले में लैके विरोधी पार्टियां लगातार कांग्रेस पार्टी के निशाने कस रही ने। नाल ही पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेसी लीडर अंबिका सोनी से भी इस मामले संबंधी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और अंबिका सोनी ने कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी नाल दिल्ली में मुलाकात की थी, जिस तों बाद यह नियुक्ति हुई सी। विरोधी पार्टियां यह इल्जाम ला रही ने कि कांग्रेस पार्टी ने जगदीश टाइटलर की नियुक्ति की है, जो कि 1984 कतलेआम के दोषियों में एक है। विरोधी पार्टियां कह रही ने कि कांग्रेस पार्टी ने अजिहा करके पंजाबियों ते सिखां दे दखमां उत्ते लूण छिड़किया है। श्रोमणी अकाली दल तो डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने भी इस मामले ते मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का स्पष्टीकरण मंगया है। की कहा है डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने, आओ देखते हाँ। कांग्रेस पार्टी वालों 1984 के कतलेआम के दोषी जगदीश टाइटलर नूं कांग्रेस पार्टी दे विच नियुक्ति देने दे संबंध विच सुनील जाखड़ ने जिहड़े सवाल चुके वह बहुत ही गंभीर। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के लीडर अंबिका सोनी लगातार उत्थे जिहड़े आ कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी के नाल मीटिंगां कर रहे सी और उस तों बाद यह नियुक्ति हुई। इस करके एक तो चन्नी साहब दसन के इस नियुक्ति दे विच उन्हां दी की भूमिका, क्योंकि यह सवाल किसी होर ने नहीं खड़े किए, सुनील जाखड़ ने खड़े किए। हालांकि जाखड़ परिवार का अपना रोल 1984 दे विच दरबार साहब के हमले दे विच कोई चंगा नहीं है, पर फिर भी जो सवाल उन्होंने खड़े किए है वह बहुत गंभीर है और कांग्रेस पार्टी नूं तुरंत जवाब देना चाहिए है कि 1984 के कतलेआम के दोषी की फिर कांग्रेस दे विच अहम अहुदे ते नियुक्ति करके सिखां दे जख्मां दे उत्ते नमक क्यों छिड़किया गया और चरणजीत सिंह चन्नी ने और अंबिका सोनी जी ने इहदे विच अपनी हामी क्यों भरी है, सहयोग क्यों दिता, इहदा स्पष्टीकरण देना पैंदा। डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कांग्रेस पार्टी विच उच्च अहुदे ते जगदीश टाइटलर की नियुक्ति ते सवाल उठाए ने ते मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी नूं वी घेरिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लीडर सुनील जाखड़ वालों उठाए सवालों का भी जिक्र किया है। नाल ही जाखड़ परिवार की 84 वेले भूमिका ते भी सवाल उठाया है। डॉक्टर दलजीत चीमा ने मुख्यमंत्री तो स्पष्टीकरण मंगया है। दूजे पासे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर ने भी जगदीश टाइटलर नूं स्पैशल इनवाइटिड पार्टी का हिस्सा बनाने ते कांग्रेस की सख्त शब्दों में निंदा की है। की क्या है उन्होंने, आओ देखते हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज बड़ी दर्दनाक खबर पढ़ी है जिन्हें सारे मनुखता हिला के रख दिता। 84 का कतलेआम होया, श्रीआम राजीव गांधी का उस जो कि उन्होंने हुक्म जारी किए से अनुसार होया और जेदे उन्होंने व्डे लीडर वरत्या सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर बाकी सारे अज जो जगदीश टाइटलर इन्होंने स्पैशल इनवाइटिड पार्टी पाया, इतों असं कह सकते हैं कि अज इन्हें होर एक बड़ा जख्म जोड़ा सी वह सिखन दिता कि जेड़े व्यक्ति दोषी पाए गए हो जिन्हों की CBI के जांच चलती होना व्यक्तियों इन्होंने अज बड़ा मैडल दिता, फिर क्योंकि इन्होंने करवाया सारा कुछ उन्होंने को अपने गुजे भेद जोड़े से लुकाने की खातर उन्होंने व्डिया सरदारियाँ कभी मिनिस्ट्रियां देंगे है कभी इस तरह के व्डे व्डे अहदे दे के उन्होंने निवासते हैं। मैं जिथे यदि सख्त शब्दों निंदा करती हाँ उत्थे मैं समझती लानत है उस कांग्रेस से जिस कांग्रेस जमात ने ज इंदिरा गांधी के परिवार ने सोनिया गांधी के परिवार ने राजीव गांधी राहुल गांधी जिन्हों लोगों ने अज फिर सिखों एक वीड्डी पीड़ा दिती है। मैं समझती हाँ कि इस तो वीड्डी घिनौनी हरकत कोई नहीं हो सकती। सो मैं कांग्रेस पार्टी के उत्ते जिते इस गल की लानत समझती है उत्थे उन्होंने जो व्डे इनाम दिए है जो व्डे इन्हों अहदे दिए है वह मैं समझती कि बदकिस्मती है कि सिखां वार बार छेड़ते हैं वार बार उन्होंने हिरदे बुलंदरते हैं। ये बहुत बड़ी तकलीफ हुई इस गल की। मैं सारी संगत को बेनती करा कि सुचेत हो इन्होंने लोगों तो जिन्होंने एडे कतल करा के भी अजे कुछ नहीं सीखिया। हरिमंदर साहब तक हमले करवाए श्री अकाल तख्त साहब ढह ढेरी करवाया लेकिन 84 का कतलेआम जरा करवा के अज फिर सानू वो समा याद करवाते हैं जिस समय ने कभी भूल नहीं सकते। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की। जगदीश टाइटलर की नियुक्ति का मसला केवल पंजाब कांग्रेस ही नहीं सगों इंडियन नैशनल कांग्रेस ले भी गले की हड्डी बन सकता है। हुण वेखना यह होगा कि यह नियुक्ति बदली जाती है जा नहीं। की कहोगे इस पूरे मसले बारे अपने विचार सानू कमेंट बॉक्स में जरूर दसना। देश दुनिया दी तमाम खबरों लई देखते रहो वाइस ऑफ पंज आप टीवी।